जय माँ संकटा। संकटा माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था। उसका नाम था रामनाथ। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश चले जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित दुखी थी। उसकी पुत्र वधू प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाती थी, इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित उदास भाव से घर के बाहर एक कुआं था, वहीं बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से एक दिए की माँ नामक स्त्री निकली। बुढ़िया से पूछा, ओ बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करूँगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया, उसी तरह रोती रही। जब दिए की माँ ने बार बार इस तरह से प्रश्न कहा तो बुढ़िया दुखी हो उठी। उस बुढ़िया ने कहा, क्या तुम बारंबार मुझसे ऐसा कह रही हो? सचमुच मेरा दुख दूर कर पाओगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, हाँ प्रयत्न जरूर करूँगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश गया है। उनकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू बहुत मुझे भला बुरा कहती है, सताती है, मेरे दुख का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माँ रहती हैं, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों के दुख से बहुत सहानुभूति है। वे निसंतान को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभागे को भाग्य प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अचल होता है, कुंवारी कन्या का विवाह होता है, इच्छित वर मिलता है, रोगी रोग से मुक्त होता है, जो भी मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करती हैं। दिए की माँ से ऐसी बात सुनकर संकटा जी के मंदिर गई, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके रोने लगी। संकटा माँ ने दया भाव से कहा कि बुढ़िया तुम किस कारण रोती हो? बुढ़िया ने कहा, माँ आज सब कुछ जानती हैं, आपसे क्या छिपा है? फिर मैं क्या कथा सुनाऊँ? बुढ़िया की बात सुनकर माँ संकटा ने कहा, बात तो बताओ। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश गया है, बहू बहुत दुख देती है, बातें सुनाती रहती है। बुढ़िया की जद भरी कथा को सुनकर संकटा माँ ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मानो। संकटा माँ, यदि मेरा लड़का कुशल पूर्वक घर आया तो मैं आपकी पूजा करूँगी, सुहागनों को आमंत्रित करके भोजन कराऊंगी। संकटा माँ के कथनानुसार उस बुढ़िया ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात ये थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 8 हो जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा क्या कारण है? कहीं गलती तो नहीं हो रही, या भूल क्या कारण है? उसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माँ संकटा आई और बुढ़िया से कहा, आज क्या तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है? बुढ़िया ने कहा, हाँ माँ। आप कौन हैं? कहा, मैं भी बुढ़िया ही हूँ। क्या तुमने किसी बुढ़िया को स्त्री को निमंत्रित किया? कहा, नहीं। कहा, मुझे ही कर लो। अच्छा, बुढ़िया कहने लगी, ठीक है। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस संकटा रूपधारी बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ गईं। बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई भोजन कराए। इससे माँ संकटा जी की कृपा से रमानाथ के मन में अपनी माँ पत्नी से मिलने की इच्छा प्रबल हो गई। सुहागनों ने भोजन करते उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी थी। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं भोजन करा के सुहागनों को भी आती हूँ। लड़के की बहू तो पति आगमन सुन करके चल पड़ी। लड़के ने बहू को देखकर मन में सोचा, कितना प्यार करती है पत्नी, एक माँ को देखो, वो तो अभी तक नहीं आई। जब पूजा का काम पूरा हुआ, सुहागनें भोजन कर घर चली गई अपने अपने, तब अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुँची माँ ने। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माँ से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनों को जिमा रही थी। संकटा माँ की कृपा से लड़के के मन में अपनी पति से मन हट गया। उसने माँ से कहा, माया तो मैं रहूँगा या ये रहेगी? बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, बड़ी तपस्या से पाया है। और फिर बहू को लड़के ने निकाल दिया। वो गई जंगल में, एक पीपल के नीचे बैठकर रो रही थी। राजा उधर से निकला वहाँ का और रोते हुए देखा तो कहा, देवी क्यों रो रही? उसने सारी बात बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, घर चलो और रो मत। लेकर के राजा आया और अपनी पत्नी से कहा, ये मेरी धर्म बहन है, इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर रमानाथ की स्त्री ने संकटा माँ के निमित्त सुहागनों को बुलाकर भोजन कराया, लड्डू बांध कर रानी को न्योता दिया। जब सभी सुहागने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे रबड़ी मलाई
स्वादिष्ट मिष्ठान हजम नहीं होते, फिर ये पत्थर सरीखे लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना सुनकर बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार किया। संकटा माँ की कृपा से सुहागिनों को भोजन करते ही उस स्त्री का अपने पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव यह सब प्रारब्ध से होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराध को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माँ की सभी पूर्वक पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पी कर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने रानी से कहा, जब तुम्हें मुझको कष्ट पड़ा तब मैं तुम्हारे घर आई अपने धर्म भाई के यहाँ, और कभी न करे ईश्वर तुम्हें दुख पड़े तो निसंकोच भाव से मेरे घर आना। संकटा माँ का निरादर करने के कारण इधर माँ का प्रकोप हुआ। जब बहन चली गई तो सारा राज ही नष्ट हो रहा था। ऐसी विपत्ति पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, जाते ही उसके यहाँ से सब नष्ट हो रहा है। रानी ने राजा से कहा, वह जाते समय कह गई थी मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तुम मेरे यहाँ ना, इसमें संकोच ना करना, इसलिए हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, हम लोग बहुत ही परेशानी में हैं। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता सब संकटा माँ है, उनके अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं, इसलिए मेरी राय यही है कि तुम संकटा माँ से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो, उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बनेगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ कार्य सुधर जाएगा। उनके कथन अनुसार रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से संकटा माँ का व्रत किया, सुहागनों को भोजन कराया, अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माँ से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे कहते ही संकटा माँ प्रसन्न हो गई। रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागनों को भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राज्यपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल पड़े। घर आकर स्वप्न के अनुसार सारे कार्य किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय भी सुधरा, राजपाट भी मिला, लोग पहले की तरह राज सुख भोगने लगे। संकटा माने इन भक्तों पर कृपा की और इन भक्तों की कथा जो भी सुनेगा सुनाएगा नित्य प्रति माँ संकटा की पूजा करेगा और शुक्रवार का व्रत माता संकटा के लिए करेगा। माँ संकटा उस पर कृपा करेंगी, उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी। विश्वास श्रद्धा के साथ किया गया व्रत अवश्य ही फल देता है। जो भी हो श्रद्धा भक्ति भाव से माँ को समर्पित करके आप पूजा करें, उनकी कथा सुनें, उनको भोग लगाएं, आरती करें और अपने मन की बात को माँ संकटा से नेत्र बंद के श्रद्धा भक्ति भाव से कहें और माँ के चरणों में प्रणाम करें। कुछ ही दिनों पश्चात आप व्रत करेंगे तो कम से कम 11 शुक्रवार या 21 जो भी बन पड़े अवश्य ही मन में संकल्प लें और पूर्ण करें। फिर माँ का उद्यापन करें, स्त्रियों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे करके माँ की पुस्तक दे करके आप सभी पर माँ संकटा की कृपा बनी रहे। जय माँ संकटा सदा सहाय। हे माँ आपकी।